अगर आपने एरोप्लेन देखा है, जो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कई जगहों पे, फिल्मों में या फिर रियल में, और कई तरीके के एरोप्लेन देखे होंगे, पर उन सब में कोई भी चीज सिमिलर हो चाहे ना हो, पर एक चीज सिमिलर जरूर होगी, उन सब का कलर। जितने भी एरोप्लेन्स हम देखते हैं उनमें से ज्यादातर एरोप्लेन 90% ऑफ द एरोप्लेन्स आर वाइट। पर क्यों? हमारे अर्थ में बहुत सारे कलर्स हैं और कई सारे ब्यूटीफुल कलर्स हैं, पर क्यों एरोप्लेन्स को वाइट बोरिंग कलर दे दिया जाता है जबकि इतने सारे कलर हैं? कई सारे एरोप्लेन्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, पर ज़्यादातर एरोप्लेन वाइट कलर के ही होते हैं, पर क्यों? क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर इकोनॉमिकल या फिर कोई और? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सारे एरोप्लेन्स वाइट कलर के होते हैं जबकि हमारी दुनिया में इतने सारे कलर हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन साइंटिफिक रीजंस की बात कर लेते हैं जिसके कारण एरोप्लेन्स को वाइट कलर किया जाता है। नंबर वन, थर्मल कंडक्टिंग। आपने गर्मियों में ये बात जरूर सुनी होगी अपनी मम्मी से या फिर अपने किसी रिलेटिव से कि सफ़ेद कपड़े पहनो। पर क्यों? क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो सन से आने वाली जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि आपको हीट ना लगे। सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है एरोप्लेन्स में। एरोप्लेन बहुत ही ज़्यादा ऊँची हाइट पे उड़ते हैं और उनमें सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है और बहुत ज़्यादा हीट होती है, पर जब एरोप्लेन्स वाइट कलर के होते हैं तो वाइट कलर जितनी भी सनलाइट आती है उन सबको रिफ्लेक्ट कर देती है जिसके कारण एरोप्लेन हीट नहीं होता और एरोप्लेन अच्छे से उड़ता है और उसके जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी कंफर्टेबल होते हैं। नंबर टू, पैसेंजर सेफ्टी। दूसरी बात, आपने सफ़ेद कपड़ों में ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर उसमें कोई दाग लग जाते हैं या फिर कोई भी छोटा सा कट लग जाता है वो उसमें बड़ी इजीली दिख जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट एरोप्लेन में ऐसा होता है कि अगर एरोप्लेन में कोई डेंट पड़ गया या फिर कोई पार्ट खराब हो गया एरोप्लेन का तो वो बहुत ही इजीली विजिबल होता है और जब एरोप्लेन का इंस्पेक्शन होता है उड़ने से पहले तो वो बहुत ही इजीली दिख जाता है और उसको ठीक कर दिया जाता है ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी बनी रहे और इससे एरोप्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। नंबर थ्री, जो वाइट कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, कभी सफ़ेद कपड़ा पहन के धूप में निकलिए, आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एरोप्लेन जंगल में कहीं क्रैश हो जाता है या फिर बड़ी सी स्पेस में क्रैश हो जाता है तो वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो तेज़ी से उसको रिफ्लेक्ट करेगा और बड़ी ईजिली लोग उसको देख लेंगे और हेल्प कर पाएंगे जो लोग उस क्रैश में फंसे होंगे। तो ये हो गए हमारे साइंटिफिक रीज़न क्यों एरोप्लेन्स को वाइट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिकल रीजंस की कि क्यों एरोप्लेन्स को वाइट किया जाता है। तो एरोप्लेन की कलरिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एरोप्लेन को वाइट के अलावा कोई और कलर करवाएंगे तो सबसे पहली बात वो कलरिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी क्योंकि एरोप्लेन छोटी सी चीज़ तो है नहीं, उसमें बहुत ही ज़्यादा लेबर लगेगा और बहुत ही ज़्यादा पेंट लगेगा उसको पेंट करने में, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अब जो प्लेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाइट और बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में उड़ता है और जो कलरफुल एरोप्लेन्स होते हैं उनका कलर बहुत ही जल्दी डिमिश हो जाता है, बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, इसके कारण उसको फिर से पेंट करवाना पड़ जाता है। और अगर हम किसी एरोप्लेन को वाइट के अलावा कोई और कलर पेंट कर देते हैं तो उसको बार बार उसी कलर का पेंट करवाना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और उसका कोई फ़ायदा में नहीं निकलेगा। दूसरा रीज़न, जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा वाइट कलर का एरोप्लेन ही प्रीफर करती हैं पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। तो जो कंपनीज होंगी अगर वो कलरफुल प्लेन्स को खरीदेंगी और उसके बाद उसको वाइट कलर का पेंट करेंगी तो कंपनीज को अल्टीमेटली लॉस ही होगा, तो कोई भी कंपनी अपना लॉस क्यों करवाएगी। थर्ड रीजन, जो व्हाइट एरोप्लेन्स होते हैं उनका रिटेल सेल बहुत ही ज्यादा होता है और जो कलरफुल एरोप्लेन्स होते हैं उनका रिटेल बहुत ही ज्यादा कम होता है क्योंकि ज्यादातर लोग व्हाइट कलर का एरोप्लेन ही लेना प्रीफर करते हैं पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए और कई सारे इकोनॉमिकल रीजंस के लिए, और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कलरफुल प्लेन ले क्योंकि कलरफुल प्लेन लेना एक पैसे की बर्बादी है। अगर हम किसी प्लेन को कलर करते हैं तो उससे हमें अल्टीमेटली कोई भी इकोनॉमिकल एडवांटेज नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आप किसी प्लेन को कलर कर देते हैं और आप बोलोगे आप कलरफुल प्लेन में जा रहे हो तो आप इसका एक्स्ट्रा टैक्स दो, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो ये सारे साइंटिफिक और इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं एरोप्लेन्स के वाइट होने के। मैं इसको समराइज करके आपको बता भी देता हूं। तो साइंटिफिक रीजंस है थर्मल कंडक्टिंग, जिससे प्लेन हीट ना हो। दूसरा, पैसेंजर सेफ्टी, अगर वाइट कलर में कोई भी डेंट पड़ जाता है वो इजिली विजिबल होता है। और थर्ड है रिफ्लेक्टिंग, मतलब कि अगर एरोप्लेन कहीं बड़े एरिया में क्रैश हो जाता है तो वो बहुत विजिबल होता है। और इकोनॉमिकल रीजन में एक्सपेंसिव कलरिंग, मतलब जो कलरिंग होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और किसी फायदे की नहीं रहती। दूसरा है कि जो कंपनीज होती हैं वो कलर फुल पेंटेड एरोप्लेन्स नहीं खरीदती हैं, वो वाइट कलर के एरोप्लेन्स ही ज़्यादा खरीदती हैं। तो ये सारे रीजंस हो गए एरोप्लेन्स के वाइट होने के। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि क्यों एरोप्लेन्स को वाइट कलर का किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उससे कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक
लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको जानना है कि हमारे फेस पे ये पिंपल्स क्यों होते हैं और हम इन्हें क्योर कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखें। और अगर आपको जानना है कि क्या जो रोबोट 2.0 मूवी में बताया गया है वो सही है या गलत है तो आप इस वीडियो को देखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।